इस तरह से बैंगन का भरता बनाकर आप खा लेंगे तो हर वीकेंड बैंगन का भरता बनाकर जरूर खाएंगे। इसे हमने कैसे बनाया है आइए देखते हैं वीडियो में। हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल सकीना किचन। आज हम शेयर करेंगे बहुत ही इजी स्टाइल में बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी। आलू बैंगन टमाटर का भरता बनाने के लिए 7 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, 7 मीडियम साइज के बैंगन लिए हैं, 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। सभी चीज़ों को कट कर लेते हैं पीस में। बैंगन को कट कर लिया, डंठल नहीं निकाला है। डंठल के साथ बैंगन बॉईल करने से टेस्ट अच्छा आता है। आलू को पीस में कट कर लेते हैं इस तरह से। टमाटर को बीच से हल्का सा कट कर लेते हैं इस तरह से, नीचे से कट कर लेते हैं इस तरह से। कट करने से टमाटर उबालने से छिलका आसानी से निकल जाता है। इसी तरह से सभी टमाटर कट कर लेते हैं। सभी चीज़ों को कट कर लिया है, इसे कुकर में ऐड करते हैं। सभी सब्जियों को हमने पहले से धुल कर रखा था। एक कटोरी पानी डालते हैं, सभी को बॉईल कर लेते हैं ढक्कन लगाकर। दो सीटी आने तक तेज आंच पर बॉईल कर लेते हैं। दो सीटी आ चुकी है, तेज आंच पर रखा था। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रखकर गला लेते हैं। गैस को ऑफ कर दिया था ठंडा होने के लिए, खोल कर चेक करते हैं। सभी चीज़ अच्छे से गल गई है, सभी चीज़ों को निकाल लेते हैं प्लेट में। बैंगन टमाटर का छिलका उतार लेते हैं, डंठल निकाल देते हैं इस तरह से। कर लिया है, सभी चीज़ों को कांटे से मैश कर लेते हैं इस तरह से। सभी चीज़ों को मैश कर लिया है, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। पैन रखा धीमी आंच पर, गर्म हो गया है। 1 चम्मच आम के अचार का तेल ऐड करते हैं। अगर आपके पास आम का अचार का तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल में बना सकते हैं। 1 पिंच हींग ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच साबुत जीरा ऐड करते हैं। फ्लेवर आने तक भून लेते हैं। 4 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, ऐड करते हैं। 1 चम्मच अदरक को बारीक कट कर लिया है, ऐड करते हैं। 2 चम्मच लहसुन को बारीक कट कर लिया है, ऐड करते हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज लिया है, प्याज को आधा ही ऐड करेंगे, आधा बाद में ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च ऐड करते हैं। भुना जीरा पाउडर ऐड करते हैं। हम सभी को मिक्स कर लेते हैं।
हल्का भून लेते हैं। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। एक चौथाई चम्मच चाट मसाला ऐड करते हैं। सभी को हल्का भून लेते हैं। मसाले भून गए हैं, मिक्स किए हुए बैंगन आलू टमाटर का। एक चम्मच आम का अचार का मसाला ऐड करते हैं। अगर आपके पास आम का अचार का मसाला नहीं है तो आम के अचार के मसाले का पाउडर यूज कर सकते हैं। एक चम्मच धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई ऐड करते हैं। बचे हुए प्याज को ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। धीमी आंच पर 5 मिनट तक फ्लेवर आने तक पका लेते हैं। बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।